सो गाइस, शाम का नाश्ता आ गया है, या पढ़े चाय बिस्किट मूढ़ी मूढ़ी मिर्चा। तो आज का यही शाम का नाश्ता है, तो चलिए खा लेते हैं। तो दोस्तों, इमाई की अभी चाय बना के चली आई हूँ और बहुत ठंड और मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, तो अभी चाय पी लेती हूँ। अभी तक अभी ठीक है। अदिति बहुत ठंड लग रही है, बोल रही है, और आज नहीं गए, तो अभी चाय मिक्सचर मुड़ी फटक में नहीं जाएगा। मुझे आज आप लोगों के साथ कंप्लेन बोलना है। मुझे डर लग रहा है और आदित्य भी ये सब चीज देख रहा है। साउंड से हमें प्रॉब्लम हो रही है। गाइस, मेंशन नंबर 24 देखिए, बहुत अच्छा सीरीज हो रहा है। मुझे तो, मैं इसको 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। अच्छी हो रहा है। चलिए दोस्तों, चल सुबह सुबह किचन से बोला शुरू कर रही हूँ। आज है संडे, तो अदिति आज चली जाएगी, तो कल नहीं गई थी। तो सुबह सुबह उसके लिए मटन और चावल बना करके दूंगी और खा के निकल जाएगी। तो चलिए किचन में कुकिंग करते करते ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया, और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो ब्लॉग देखते रहिए। तो मटन बनाने के लिए पहले मैं मटन को थोड़ा भून लूंगी, फिर उसके दूसरे तरफ कढ़ाई बिठा दिया है। कढ़ाई के अंदर प्याज भून के मैं दूंगी, पहले थोड़ा सा मटन को भून लूंगी। तो चलिए आज का थोड़ा सा शेयर करूंगी रेसिपी, जैसा नहीं ब्लॉग के अंदर ही। और अदिति के पापा सुबह सुबह जाके इतना सारा सब्जी लेके आए हैं। सब्जी लेके आए हैं तो इसको उठाना पड़ेगा। और अभी मैं अनियन बना लिया है, तो इसको थोड़ा ग्रेट कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। तो इधर हल्दी और मिर्च पाउडर दे दिया है चिकन मटन के अंदर। अभी ये थोड़ा भून गए हैं और थोड़ा सा भूनना बाकी है। जो पानी छोड़ा है इसको सुखाना पड़ेगा। और इधर अनियन भून रही हूँ। अनियन भूनने के बाद उसके अंदर दूंगी। तो भून गया है, अभी अनियन भी थोड़ा भून गए हैं, अभी इसको दे देना है। और आज मेरे पास मिक्सचर ग्राइंडर नहीं है, तो इसलिए मैं अदरक को ग्रेट कर लिया, एक अनियन और हरी मिर्च से मुझे आज मटन पकाना है। तो और मेरे पास है जो टमाटर मैं बना के रखी थी, सब दे दूंगी अभी। और ये वाला जो है ना हंडी मटन के जैसा होगा, अभी इसको सब दे के भून के ढक दूंगी। थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर दे के, हरी मिर्च दे के अभी इसको ढक देता हूँ और फ्लेम को कम कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा होने देते हूँ। तो अभी दोस्तों, अभी इसमें देना है लहसुन का कली। मटन देखिए पानी छोड़ दिया है। तो अभी सुबह का नाश्ता बन रहा है, रोटी बटर और अंडा उबल रही हूँ मशीन में। गाइस, और ये वाला जो मशीन है बहुत ही अच्छा है, क्या मम्मी? तो आप लोगों को सजेशन करती हूँ, खरीद सकते हैं, अच्छा वाला चीज है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो चलो दोस्तों, अभी लहसुन के कली बना लिया है,
जो जितना देना होगा मुझे मटन में, तो आज सुबह सुबह मटन बनाया तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आप लोगों को ढाका खुल जाए, एक बार पीटिए तो छाल तुले दो। गाइस मम्मी मुझे डांट भी रही है पका पका के। तो उबल गया है, अभी सुबह का नाश्ते में अंडा और रोटी। तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पर कि मटन बहुत ही सुंदर कलर हो गया है और बहुत ही सुंदर सुगंध भी आ रहा है। मतलब क्या क्या ही बोलूँ कि इतना सुंदर सुगंध आ रहा है कि लगता है कि मैं अभी यहाँ से उठा के खा लूँ, पर मुझे जलने का कोई शौक नहीं है। तो हाँ चलिए इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं। और हाँ यहाँ पर दूर से तो कलकत्ता का लोग ना मटन में आलू देना करते हैं, तो आलू देना जरूरी है। तो चलिए आलू भून के आते हैं। तो नमक तो दिया था और थोड़ा सा दे देती हूँ। और अभी तो मेरे अपने बने हुए हाथों का गरम मसाला पाउडर दे देती हूँ थोड़ा सा। मटन में गरम मसाला देने से अच्छा लगता है। देखिए मटन ऑयल छोड़ दिया है तो मसाला भुन गया है, इसका मतलब तो अभी इसमें पानी जाएगा। तो हरी मिर्च ज़्यादा दिया है आज हरी मिर्च से मटन बनाया है। तो चलिए अभी इसके अंदर पानी दे देती हूँ। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मम्मी ने मसाला जो है सब कुछ फ्रेश रखा है, ठीक है। मिक्सर मशीन की हालत ख़राब है तो मैं तो बोलूँगा कि फ्रेश अगर मसाला अगर होगा ना मतलब उसका तेल बढ़ जाता है मुझे लगता है। तो सूखी हुई लहसुन के कली ना देने से अच्छा फ्लेवर आता है। वही तो मुझे भी तो इसलिए देखिए ये वाला भी दिया है। तो चलिए अभी इधर आलू भून गया है, अभी पानी के अंदर आलू भी उबल लूँगी तो बन जाएगा अच्छा मटन। मटन का ऐसा करी आप बना के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे घर में तो बनता है मटन, हाँ मटन सबको पसंद है। मैं अगले दिन पापा को कोशिश करती हूँ अलग अलग खाने का, तो बहुत अच्छा सुगंध निकल रहा है। दादी जी बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ है मम्मी, और इसके लिए दो पीस उठा के दिया है। क्या है दो पीस जो मम्मी ने उठा के दिया है? अभी अदिति टेस्ट भी नहीं किया है लेकिन बोल रहे हैं मम्मी सुगंध आने से बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अच्छे है। तो मम्मी यहाँ पर आलू दे रही है, तो अभी ये आलू जब तक पकेगा आलू दे के 10 मिनट तक ढक दूंगा। तो अभी बनाना है यह खट्टा पलंग। खट्टा पलंग कैसा लगता है आप लोगों को बताऊंगी। ये एकदम खट्टा जैसा लगता है टॉक टॉक। और इसमें दूंगी एक हरी मिर्च और ऑयल बिठा दिया है। इसमें सरसों दे दूंगी, सरसों और एक सूखी मिर्च दे दिया है। और अभी इसके अंदर हरी मिर्च अभी खट्टा के पालन है और इसके अंदर दे देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। देखिए खट्टा है इसलिए कलर पूरा इमली जैसा बन गया है। पानी नहीं देना है इसको, ऐसे ही थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके खाना है चावल के साथ। तो अभी इसको थोड़ा होने देती हूँ, थोड़े देर में ही पक जाएगा। और अभी इसके अंदर शक्कर देना है, शक्कर थोड़ा सा शक्कर देके इसको पकाना है पूरा। देखिए इमली के जैसा हो गया है, इमली चटनी के जैसा देखने में। बहुत ही टेस्टी हुआ है शक्कर हरी मिर्च
का सुगंध आ रहा है। तो चलिए बन गया है मेरा खट्टा पलंग। सिंपल सा रेसिपी है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। इधर आज सरसों का साग फ्राई करके अभी इसको सिलपट्टे में बटूंगी, पीसूंगी। तो पीस के अच्छा लगता है खाने में। तो लहसुन की कली दिया है आज। अभी घड़ी में बज रहा है 3:35 तक, तो 3:25। तो अभी हमारा खाना पीना हो गया है दोपहर का। जैसे पूछते हैं कैसा हुआ है खाना, मटन बहुत ही स्वादिष्ट था और बहुत ही लजीज था। खट्टा पलंग, हाँ खट्टा पलंग तो जो खट्टेदार होना चाहिए ऐसे ही। प्लस जो कॉम्बिनेशन जो आपने बनाया है बहुत अच्छा है, नया अभी थोड़ा विश्राम कर लेती हूँ, ब्लॉग भी बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से मुझे 500 कर दीजिए, मैं लाइव आना चाहती हूँ। 500 नहीं होने से लाइव नहीं आ सकती। लाइव आने से आप लोगों को, आप लोग पूछ सकते हैं मुझे आपका जो बात पूछ, आप जो पूछना चाहते हैं। तो जल्दी से लाइव आना चाहती हूँ, तो मुझे प्लीज़ 500 कर दीजिए, मैं जल्दी से लाइव आ जाऊँगी।